मेरी जान, क्या आप लोग भी बैनर्स में वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किए थे और वहाँ पे आप लोगों का वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया है या फिर आपका वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू में चला गया है? यहाँ पे देख सकते हो वेरिफिकेशन वांट रॉन्ग, ठीक है, चेक डिटेल। उसके नीचे में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों वेरिफिकेशन फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों ये क्यों आ रहा है? सारे लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, आपके फिर आपने 2-3 दिन अंडर रिव्यू में चला गया फिर भी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप के एंड तक देख लीजिए, आप लोगों का 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर में चले जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहां पे ना आप लोगों को बिनर्स सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहां पे अगर आप लोगों का बिनर्स अपडेट मांगेगा तो सिंपली क्या करना है, आप लोगों को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद सिंपली आप लोगों को क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने देखिएगा कुछ इस तरीके से पेज खोल के आ जाएगा। सिंपली मैं आप लोगों को दिखाता हूं, होम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे आ जाएगा Your verification went wrong, या फिर verification failed, या फिर आपका verification reject कर दिया गया, या फिर आपका verification under review में चला गया, 3-4 दिन हो गया लेकिन verification complete नहीं हुआ है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, नीचे में अगर आप लोगों का verification failed लिखा हुआ आएगा तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है, या फिर आप लोगों के सामने जहां पे चेक डिटेल लिखा हुआ आ रहा है सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ जाता है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो जो स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा उन सारे स्टेप को ना बिल्कुल कंप्लीटली कर लेना है, ठीक है। यहां पे आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, री स्टेप जहां पे लिखा हुआ सिंपली री स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा आप लोगों के सामने, ठीक है, या फिर वेरिफिकेशन फेल्ड के ऊपर भी क्लिक करोगे तो यहां पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई आधार विथ ओटीपी, ठीक है। उसके नीचे में देखोगे यहां पे ऑथर डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहां पे आप लोगों को आधार कार्ड, पासवर्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो ज्यादातर दोस्तों लोगों के पास आधार कार्ड है, सिंपली आधार कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप आधार कार्ड यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से कनेक्ट किया हुआ रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो नंबर डालोगे उसमें दोस्तों आधार का ओटीपी आएगा। अगर आपका आधार में नंबर कनेक्ट किया हुआ नहीं है तो आप अपने फैमिली से किसी का भी नंबर आधार को यहां पे लगा सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहां पे टेक पिक्चर विद फोटो लिखा हुआ बोल रहा है, डायरेक्ट आप दोस्तों फोटो लेकर भी यहां पर डाल सकते हैं या फिर आपके मोबाइल में अगर पहले से फोटो है तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मेरे पास पहले से फोटो है, सिंपली उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहां पर पहला पार्ट के लिए आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद चूज एल्बम लिखा वो आ जाता है सिंपली। उसके बाद यहां पे फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल में जो दोस्तों आपका आधार रहेगा सिंपली कुछ इस तरीके से यहां पे लगा देना पहला वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों यहां पे चेकिंग इमेज आ जाएगा उसके बाद यहां पे आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, कंटिन्यू विदाउट रेटिंग फोटो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर चूज एल्बम के ऊपर क्लिक करके फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है, दूसरा वाला पार्ट को लगा देना कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहां पे आप लोगों का रीलोड लेगा, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत खराब है भाईजान, इस वजह से आवाज थोड़ा सा फंस रही मेरी, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या करना है आप लोगों को कर देना है, उसके बाद सिंपली क्या कर देना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, सिंपली फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे एक सेल्फी लेने के लिए बोला जाएगा, सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके जो मोबाइल का कैमरा होगा कुछ इस तरीके से ऑन कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा रिलोड लेगा, उसके बाद आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को आपका जो सेल्फी है कुछ इस तरीके से आप लोगों को दे देना है, ठीक है। गुड, ब्लिंक योर आईज, इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है, ये कंप्लीट होने देना है। दोस्तों हम लोगों का जो सेल्फी है वो बिल्कुल कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को ना पेन नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, सिंपली देख सकते हैं एंटर योर पेन नंबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप जिसका आधार कार्ड यूज किए हैं उसका ही पेन नंबर डालना है, कोई दूसरा पेन नंबर नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैं पेन नंबर डाल देता हूँ। पेन नंबर डालने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोगों के नीचे में दोस्तों नाम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद नीचे में आप लोगों को कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा, सिंपली यहां से आप लोगों को ना कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू कीजिएगा देखिए फिर से यहां पे क्या लिखा हुआ आ जाता है, वेरिफिकेशन फेल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा कुछ बिल्कुल सही से डाल दिया था, फिर भी यहाँ पे मेरा दोस्तों यहाँ पे वेरिफिकेशन फेल कर दिया है। लेकिन अगर आप लोग इसको सही से डालोगे तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। या फिर देखिए ये प्रॉब्लम क्यों आता है ये भी ध्यान से सुन लीजिए।
अगर आपने दोस्तों एक बार वेरिफिकेशन कर लिए हैं अपने आधार और पैन कार्ड से, उसके बाद दूसरे बार जब आप अकाउंट बनाओगे फिर वहां पे वेरिफिकेशन के लिए यहां पे वही आधार वही पैन डालोगे तो आप लोगों का वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा। अगर आप लोगों का सेम डॉक्यूमेंट्स होगा तो फेल हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने आधार और पैन कार्ड से वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को काफी आसानी के साथ अप्लाई हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना, कुछ इस तरीके से आप लोगों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।